ओम। प्रिय बच्चों, कल हमने और आपने व्यंजन संधि का एक भेद पढ़ा था, अनुस्वार संधि। यानी अनुस्वार संधि में हमने और आपने क्या किया था, प्लस से पहले यदि आधा मा आता है और प्लस के बाद कोई सा भी व्यंजन आता है तो उस आधे मा को अनुस्वार कर देंगे, यानी ऊपर बिंदी में बदल देंगे। अनुस्वार का मतलब ऊपर बिंदी लग जाती है। आज उसी व्यंजन संधि का अगला भेद है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि का सूत्र है यरोनु नासिके नु नासिको वा, यरोनु नासिके नु नासिको वा। यानी ये सूत्र कहता क्या है, सारा व्याकरण सूत्रों पर चलता है। इस सूत्र ने कहा यदि पद के अंत में, पद का अंत यानी प्लस से पहले, और पद का प्रारंभ कहते हैं प्लस के बाद का जो पहला अक्षर होता है। यानी मान लो कि हमने यहाँ पर प्लस लगाया, यदि प्लस से इधर कोई शब्द आता है यानी प्लस के बिल्कुल नज़दीक यहाँ कोई आता है तो इसको बोलते पद के अंत में, यानी ये पद का अंत अक्षर है। यहाँ पर कोई अक्षर यदि आता वर्ण आता है तो इसको बोलेंगे हम पद के प्रारंभ में, क्योंकि इधर शब्द है और ये पद का पहला अक्षर है, तो ये पद का पहला अक्षर बोला जाता है और ये पद का अंतिम अक्षर बोला जाता है, क्योंकि इधर शब्द लिखा है और ये अंतिम अक्षर होता है। तो ये कहना चाह रहा है यदि पद के अंत में किसी वर्ग का पहला अक्षर, यानी वर्ग कितने हैं, पांचवें, पांच वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो पांचों वर्गों का यदि पहला अक्षर आता है प्लस से पहले, और बाद में यदि वर्ग का पांचवा अक्षर आता, पांचवा, तो पहला अक्षर जो है उसको उसी वर्ग का पांचवा अक्षर कर देंगे। यानी जो पहला अक्षर जैसे का है और बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा आ रहा है तो हम का को क्या करेंगे बेटा, का को का वर्ग का पांचवा कर देंगे। जैसे वाक प्लस मयम, वाक प्लस मयम, ध्यान से देखिएगा, प्लस से पहले क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है क, हलंत लगा हुआ है, बाद में मयम का मा है यानी पांचवा अक्षर, तो इस पांचवें अक्षर को देख के का को हम क्या करेंगे बेटा, का को का वर्ग का पांचवा अक्षर यानी का खा गा घा ङ, तो हमने का को का वर्ग का पांचवा अक्षर ङ कर दिया, तो मिलके बन जाएगा वांगमयम। जैसे दिक् प्लस नाथः, यानी ये शर्त है कि प्लस से पहले वर्ग का पहला अक्षर होना चाहिए, प्लस के बाद पांचवा अक्षर होना चाहिए, तो इस पांचवें अक्षर को देख के का को हम का वर्ग का पांचवा कर देंगे, न बन जाएगा, तो दिंगनाथः बन जाएगा। जगत प्लस नाथः, तो ता वर्ग का पहला अक्षर है त, ना पांचवा अक्षर है, तो ना को देखते हुए ता को ता वर्ग का पांचवा अक्षर यानी ता था दा धा न, तो आधा ना कर देंगे, तो जगन बन जाएगा। जगन, जगत को जगन बन गया और नाथा अपनी जगह पर रहेगा, तो जगन्नाथ। इसके बाद में आया सत मार्गम, सत यानी जो सत का ता है वो माँ को देखते हुए पांचवा अक्षर ना बन जाता तो सन बन जाता, सन, और मार्गम अपनी जगह पर, तो सन मार्गम। एतत मुरारी, माँ को देखते हुए प्लस के बाद है माँ, प्लस से पहले है ता, तो ता वर्ग का पहला अक्षर है, ये अपने वर्ग का पांचवा बन जाएगा, आधा न, मुरारी का मुंह अपनी जगह पर है तो क्या बन जाएगा, एतन मुरारी, एतन मुरारी। तत्मात्रम, माँ को देखते हुए ता को हमने ना किया, माँ अपनी जगह पर है तो तन मात्रम, तन मात्रम। तो ये जो संधि है बेटा, यानी व्यंजन संधि का अनुनासिक भेद,
ये क्या करता है, वर्ग के पहले अक्षर को वर्ग का पांचवा अक्षर बना देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये व्यंजन संधि अपनी जो थी वो पूर्ण हुई। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने और लेके आऊँगा, तब तक आप लोग इसकी तैयारी करते रहिएगा और फेयर कॉपी पर सुंदर राइटिंग में ज़रूर कर लेना। जब भी आपको मौका लगेगा तो आपकी कॉपी हमारे द्वारा निरीक्षित हो जाएगी। आप लोग रोज़ अच्छी तरह से मेहनत करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।